चलिए, तो यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी के और कुछ मुद्दों की हम बात कर लें। पलासी के युद्ध के कुछ और पॉइंट की अगर बात की जाए, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है कि जो अंग्रेज़ों ने बंगाल पर जो विक्ट्री हासिल की है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो है बैटल ऑफ पलासी या पलासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, हालांकि इट वॉज द ओनली स्टोरी ऑफ कंस्पायरेसी, जो सिर्फ षड्यंत्र की एक कहानी थी। ठीक है, षड्यंत्र किया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। फेब 1757 से लेकर जून 1757, जिस दिन युद्ध हुआ उसके पहले तक, जितने भी मेन ऑफिसर्स थे, जो मुख्य लोग थे, उन सभी को अंग्रेजों ने लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था, अपने अपने साइड कर लिया था। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कुछ मुद्दों की, जैसे कि कॉजेस की अगर बात की जाए, युद्ध के कारणों की अगर बात की जाए, तो आप सभी को पता है कि इस युद्ध का जो बेसिक कारण है वो क्या है ना, वो जो पहले से चला आ रहा जो कारण है वो क्या है, वो है आपका दस्तक का मिसयूज होना। दूसरा जो बेसिक रीजन आप लोग ये समझ सकते हैं कि कंपनी की जो एम्बिशन थी, ठीक है, कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और कंपनी की जो एम्बिशन थी उसमें दो चीज़ें थी, एक तो अपना जो इम्पीरियलिज्म है उसको क्या करना, बढ़ाना, अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाना। ठीक है, और क्या करना, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करना। ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण चाह रही थी कंपनी इंडिया की टेरिटरी पर, इंडिया की पब्लिक पर। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल। और दूसरी एम्बिशन जो थी वो थी बंगाल की जो वेल्थनेस थी, बंगाल की जो वेलफेयर था, बंगाल में जो इतनी संपन्नता थी। ठीक है, इट मीन्स कि इकोनॉमिकल एम्बिशन थी, आर्थिक इनकी क्या थी, एम्बिशन थी, व्यापार के जरिए, ट्रेडिंग के जरिए और अन्य अलग अलग मीडियम से बंगाल की जो बेल्थ है उसको, उसके ऊपर इनकी काफ़ी कड़ी नज़र थी। ठीक है, इसलिए बंगाल को सबसे पहले चुना गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, या बंगाल की तरफ ही वो अट्रैक्ट हुए हैं। बंगाल की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बंगाल वाला जो एक मैंने लेक्चर पढ़ाया था आप लोगों को, लेक्चर 2 में, जिसमें हमने बात की थी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, उसमें डिस्कस किया कि बंगाल ही क्यों, बंगाल की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हुए, क्योंकि बंगाल से ही पूरा ट्रेड जो है पूरे यूरोप में, पूरे एशिया का सबसे ज्यादा व्यापार ही कहाँ से होता था, बंगाल से होता। ठीक है, तो पूरे इंडिया में उतना व्यापार नहीं होता था जितना अकेला कहाँ से होता था, बंगाल से, इसलिए बंगाल की ओर ये गए। दूसरा मैंने बताया है कि दस्तक का जो मिसयूज हो रहा था, मिसयूज ऑफ दस्तक, ये एक बड़ा कारण बनता है। और ये दस्तक का दो प्रकार से मिसयूज करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना ट्रेड कर ही रही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो निशुल्क ट्रेड हो ही रहा है, वो दस्तक का बेसिक यूज़ है। लेकिन मिसयूज क्या हो रहा है, दो तरह से हो रहा है। एक तो जो निजी व्यापारी हैं, जो निजी ऑफिसर, जो ऑफिसर्स हैं कंपनी के, वो अपना इंडिविजुअली ट्रेड करते समय भी उस दस्तक का यूज़ कर रहे हैं और टैक्स से बच रहे हैं। दूसरा, यही लोग क्या करते हैं, उसी दस्तक के माध्यम से इंडियन ट्रेडर्स को भी टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए उन्हें भी क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, और आधी कीमत पर उन्हें दस्तक दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिसयूज काफ़ी ज़्यादा हो रहा था दस्तक का। तीसरे अगर कारण की बात करें तो बुलियन की जो डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे जो मर्केंडलिज्म का जो कंसेप्ट चल रहा था, तो बुलियन की काफ़ी डिमांड थी। बुलियंस का मतलब होता है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी जो प्रीशियस मेटल्स होती हैं वो, तो इनकी डिमांड थी इसलिए। और वो सबसे ज़्यादा जो बुलियंस हैं वो कहाँ पर थे, वो बंगाल में थे। बंगाल कामधेनु गाय की तरह थी, इसलिए बंगाल को ही चुना गया बुलियंस की डिमांड को पूरा करने के लिए भी। फिर बैटल ऑफ कार्नेटिक जो हो रहा है साउथ में, जो फ्रांसीसियों के साथ इनके संघर्ष चल रहे हैं और जो इन्हें लड़ना है फ्रांसीसियों से, उन युद्धों को लड़ने के लिए ब्रिटेन से इन्हें कोई भी हेल्प ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से इन्हें कोई ज़्यादा सहायता नहीं मिल रही है, तो इन्हें अगर अपनी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करना है युद्ध लड़ने के लिए फ्रांसीसियों के साथ कार्नेटिक वॉर्स में, तो इन्हें पैसा चाहिए। और पैसे की जो पूर्ति है वो कहाँ से हो सकती है, वो हो सकती है बंगाल से। ठीक है, तो ये एक बेसिक कारण था बैटल ऑफ कार्नेटिक के लिए पैसों की आवश्यकता को पूरा करना। और जो तत्कालिक कारण बनता है, जो कंटेम्प्रेरी रीजन बनता है, वो बनता है अलीनगर की संधि का वायोलेशन किया जाना। ठीक है, वायोलेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की जो ट्रीटी है वो लगभग साइन की गई थी 1757 के फेब मंथ में। ठीक है, बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड दी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है,
और इसी संधि का उल्लंघन किया था अंग्रेजों ने जब इन्होंने हमला कर दिया है चंद्रनगर या चंद्रनगर में स्थित फ्रांसीसी बस्ती के ऊपर। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गई। अब बंगाल में हार हुई है किसकी? सिराजुद्दौला की। इस हार के पीछे के रीजन क्या थे, हार के पीछे के कारण क्या थे? तो देयर वाज अ कंस्पायरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के खिलाफ कंस्पायरेसी की थी अंग्रेजों ने और यही उनकी हार का कारण था। और इसमें जो नाम आता वो आता है रॉबर्ट क्लाइव का, जिसने कमांडर इन चीफ मीर जाफर, राय दुर्लभ, ओमीचंद, यार लुफ्त खान, राज बल्लभ, समझ गए, सोकत जंग, घसीटी बेगम, इन सभी को क्या कर लिया था अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ओर कर लिया था। ठीक है, अगर हम बात करें सैन्य अयोग्यता की, ठीक है, आर्मी की अगर बात की जाए तो आर्मी की काफी ज्यादा अयोग्यता थी उस समय पर, क्वालिटी ऑफ आर्मी काफी ज्यादा बुरी थी सिराजुद्दौला की, और अगर ब्रिटिश आर्मी की बात की जाए, कंपेयर किया जाए तो। देखिए, इंडियंस ने ना या इंडियन रूलर्स ने लंबे समय से फोकस किया है क्वांटिटी पर, क्वांटिटी ऑफ आर्मी पर, नंबर ऑफ सोल्जर्स पर, बजाय की क्वालिटी ऑफ आर्मी पर। ठीक है, और कभी भी इन आर्मी की क्वालिटी को ज़्यादा सुधारने की कोशिश नहीं की, और यही कारण बनता है इंडियन रूलर्स की हार का। जैसे कि हम बात करते हैं तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर सिर्फ 15,000 की सेना के साथ इंडिया आया था, ठीक है, और उसने पराजित कर दिया था लाखों की इब्राहिम लोदी की सेना को। तो ये उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय की जो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेंड फोर्स के साथ बाबर आया था, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ इंडिया आया हुआ था। ठीक है, और इस समय पर अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज इंडिया में हैं और बड़ी बड़ी हजारों की सेनाओं को वो पराजित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ओनली न्यू वेपन्स, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू ट्रेनिंग वाली जो यूरोपियन फोर्स है वो इजिली इंडियन सोल्जर्स पर भारी पड़ जाती है। तो ये जो क्वालिटी थी उसको बढ़ा रहे हैं, ना कि सॉरी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी पर फोकस ही नहीं किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन लोगों ने कभी भी अपनी नेवल पावर को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की, जबकि इनके सामने काफ़ी समय से एग्जाम्पल्स ये लोग देख रहे हैं कि पोर्तुगीज इंडिया में है, डचेस इंडिया में है, इसके अलावा ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं, और इन लोगों के पास एक मजबूत नौसेना है, मजबूत नेवी है, जिनके कारण ही ये पूरे समुद्र पर राज कर रहे हैं। भले ही लैंड एरिया पर, जमीन पे उतने मजबूत ये नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन समुद्र में इनसे ज़्यादा स्ट्रांग उस समय पर, उस जमाने में कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना, ये हार का एक कारण बनता है। और फिर नवाब जो है वो युद्ध से भाग जाता है। ठीक है, नवाब युद्ध से भाग जाना ये भी एक बड़ा रीजन होता है इनकी हार का। ठीक है, युद्ध के मैदान से जब ये भाग गए तो इनकी जो थोड़ी बहुत सेना थी जो युद्ध में लड़ रही थी, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है। ठीक है, ऊपर से क्या हुआ कि अगर ये भागते नहीं और वहीं पर अगर रहकर एक समझौता करते, ट्रीटी करते, तो भी कुछ अलग बात हो सकती थी। ठीक है, तो ये भाग जाते हैं और मीर जाफर के पुत्र के द्वारा ही उनकी हत्या कर दी जाती। ठीक है, तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का भाग जाना भी एक बड़ा कारण था युद्ध में हार का। देखिए, सिराजुद्दौला अगर वहाँ पे होते तो वो अपनी फोर्स को इनकरेज भी कर सकते थे। ठीक है, और हो सकता था कि उनकी सेना मीर जाफर की जगह उनकी साइड से लड़ने के लिए भी रेडी हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन वो युद्ध से भाग गए मजबूर होकर, जब उनकी सेना मीर जाफर और बाकी लोगों के षड्यंत्र से जो बंदी हुई थी और वो अंग्रेज से लड़ने के लिए नहीं उतरी थी। ठीक है, अब रॉबर्ट, चौथा कारण यह है कि रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी योग्य व्यक्ति था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इतना योग्य व्यक्ति था, इतना डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग था कि उसके आगे बाकी जो सिराजुद्दौला थे उनकी कोई ज़्यादा, देखिए सिराजुद्दौला ना उतना एक्सपर्ट भी नहीं था, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी एज भी उस समय ज़्यादा नहीं थी। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाए तो वो भी कोई ज़्यादा एज में नहीं था, लेकिन वो काफ़ी एक्सपर्ट था, काफ़ी इंटेलिजेंट था। और क्लाइव के बारे में आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, प्रथम कार्नेटिक युद्ध की, तो जब डुप्ले ने हमला किया था किस पर, जब डुप्ले ने हमला किया था मद्रास पर, और मद्रास में सारे अंग्रेजों को घेर लिया था, कैद कर लिया था, तब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने पहली बार डिस्कस किया था। और 1746 में पहली बार जब मद्रास पर हमला हुआ था डुप्ले के द्वारा, उस टाइम पर पहली बार डिस्कस किया था। क्लाइव वहां से भाग निकलता है और भाग निकलकर कुडालोर पहुंच जाता है और वहां पे अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन देता है डुप्ले की बातों का। ठीक है, और फिर जब हम बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर के समय, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट उसके द्वारा किया जाता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर के समय, जब फ्रांसीसी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, उस समय फ्रांसीसियों के का पूरा जो रूट है वो बदल देता है। फ्रांसीसियों की जो सक्सेस थी वो खत्म हो जाती है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, क्लाइव के। क्लाइव क्या करता है
क्लाइव अर्काट पर हमला करने की योजना बनाता है, ठीक है, और अर्काट पर अटैक करके अर्काट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और हेल्प करता है किसकी, कर्नाटक के नवाब जो थे हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली की, ठीक है, और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना देता है। और इसके बाद ही फ्रांसीसियों की हार शुरू हो जाती है और फ्रांसीसियों को सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हार का सामना करना पड़ता है और फिर मजबूरन उन्हें ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी करना पड़ती है और डुप्ले को वापस भेजना पड़ता है कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है। और उसके बाद तो फ्रांसीसी कंपनी का इंडिया में कुछ वर्चस्व हो ही नहीं पाता है क्योंकि सेकंड थर्ड कार्नेटिक वॉर में भी उनकी हार होती है काउंट डिलाली और सर आयरकुट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्लाइव की अगर यहाँ बात की जाए तो काफी योग्य व्यक्ति था, ठीक है, इसी ये कारण बनता है एक हार का। अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो उस समय देखिए एक पोएट है बंगाल के कवि थे जिनका नाम था नवीन चंद्र सेन। तो नवीन चंद्र सेन ने कहा है कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल की जो स्थायी दुर्दशा है वो क्या हो जाती है, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कवि का ये कहना है, नवीन चंद्र सेन नाम एक पोएट का ये कहना है कि पलासी का युद्ध काफ़ी बुरा था, काफ़ी बुरे इसके रिजल्ट रहे हैं और इसके बाद से ही बंगाल की जो दुर्दशा है, बंगाल में जो पुअरिटी आई है ना, जो अभाग्य है वो क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। अभी तक बंगाल ग्रो कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, सारे कुलीन वर्ग के लोग यहाँ पे थे, सभी रिच लोग वहाँ पर रहा करते थे, एजुकेशन का डेवलपमेंट था, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। अब बंगाल के लोगों का दुर्भाग्य यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे इम्पोर्टेंस की, तो जो सैन्य महत्व था, ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर होती है, सैन्य महत्व की जानकारी यहाँ पे पता चलती है कि बंगाल की सेना की जो कमजोरी थी वो यहाँ पे क्लियरली क्या होती है, नजर आती, ठीक है। तो बंगाल की जो सेना की कमजोरी है वो यहाँ पे दिखाई देती है, वीकनेस ऑफ द आर्मी ऑफ बंगाल यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी बात आर्थिक क्या फ़ायदे मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो बंगाल के संसाधनों पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, किसका, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स टोटली गेट कंट्रोल ऑन दी सोर्सेस ऑफ बंगाल। तो बंगाल के संसाधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका हो गया है, अंग्रेजों का हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए जो पपेट रूलर है मीर जाफर उसे अपॉइंट कर दिया, क्योंकि इन्होंने वादा किया था मीर जाफर को युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना देंगे, तो मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बन चुका है और मीर जाफर अब क्या करेगा, अब इसके बदले में गिफ्ट करना देना शुरू करेगा किसे, अंग्रेजों को। और ये गिफ्ट देना या पुरस्कार देने की जो परंपरा है ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इनिशियल लेवल पर जब ये युद्ध को जीत गए हैं और मीर जाफर अपॉइंट कर दिया गया, तब ये क्या क्या चीजें करता है अंग्रेजों के लिए। सबसे पहले 1.70 करोड़ रुपए 1.70 लाख यानी 1.70 करोड़ रुपए ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में कितने अमाउंट आ गया है, 1.70 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। ऐसा ही काम हुआ है किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ, जब इन्होंने हेल्प करी थी चंदा साहिब की, जब इन्होंने हेल्प करी थी किसकी, मुजफ्फर जंग की। अब उसी कदम पर चल रहा है रॉबर्ट क्लाइव, उस समय था डुप्ले, अब रॉबर्ट क्लाइव है, 1.70 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरी चीज इसको इंडिविजुअली उन्होंने कितने रुपए दिए हैं, 20 लाख रुपए, यानी रॉबर्ट क्लाइव अकेला ही कितने रुपए ले लिया है, अकेला ही इसको मिल चुका है 20 लाख रुपए, और इसके साथ जो वॉटसन था उसे 10 लाख रुपए दिए गए। तो 10 लाख रुपए किसे मिले हैं, वॉटसन को 10 लेक्स और क्लाइव को 20 लेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई, तो ये तो चीज़ हो गई है इकोनॉमिकल, ये इतनी रुपए यहाँ पे EIC को मिल गया है, इतने रुपए यहाँ पे इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स को मिल गए, क्योंकि इन्हीं की मदद से मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बन रहा है, ठीक है। अंग्रेजों को ना बंगाल कलकत्ता के पास एक जिले आते हैं, दो जिले हैं जो 24 परगना आज भी हैं, ठीक है, 24 परगना के नाम से फेमस है, 24 परगना कहा जाता है। तो 24 परगना की जो जमींदारी थी, जो दीवानी अधिकार थे, जो फाइनेंशियल राइट्स थे, वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं, ठीक है, 24 परगना। तो आप देखिएगा कि इन्हें एक तो पहले से ही कलकत्ता का जो पूरा एरिया है वो इनके हाथ में है। अब कलकत्ता के पास ही जो डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सा, 24 परगना, वहाँ के भी फाइनेंशियल राइट्स या दीवानी अधिकार किसे मिल चुके हैं, मीर जाफर के जरिए आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, वहाँ के उनके दीवानी अधिकार मिल गए। फिर क्या होता है, दूसरा जो खास बात यहाँ पे ये होती है कि फ्रेंच और डच की जो यहाँ पे राइवलरी थी,
फ्रेंच और डचों का जो प्रभुत्व था या जो टक्कर थी वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फ्रेंच और डचों की प्रॉब्लम बंगाल से खत्म हो जाती है क्योंकि चंद्रनगर को कंट्रोल कर चुके हैं। और डचों की बात की जाए तो वो तो देखिए, डचों के लिए ना अगर बात करें तो उसके लिए फिर आप बक्सर के युद्ध तक रुकिएगा। बक्सर के युद्ध के समय पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ घटना यहाँ पे देखने को मिलती है और वो आपको 1759 में देखने को मिलती है। 1759 में हम डिस्कस करेंगे डचों की प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर भी हल्की सी डचों की जो चुनौती है वो खत्म हो जाती है और फ्रेंच चुनौती भी यहाँ बंगाल से खत्म हो जाती है। ठीक है, इन लोगों ने और क्या किया, इन लोगों ने भारत की जो शिल्पी थी, भारत के जो दस्तकार थे, भारत के जो कला में निपुण जो लोग थे, जो छोटे छोटे उद्योगों से रिलेटेड थे, जो वस्त्र उद्योग से संबंधित थे, ठीक है, उनका भी क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। उनके उनके व्यापार को भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी, खत्म कर देगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान ही भारत के छोटे छोटे शिल्पियों को होता है। और फिर यहाँ से शुरू होती है ग्रेट लूट ऑफ बंगाल, या इसे हम बोलते हैं ग्रेट लूट ऑफ बंगाल, बंगाल की बड़ी लूट। ठीक है, यहीं से ये बंगाल की बड़ी लूट शुरू कर देते हैं अंग्रेज लोग। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलता है, ये तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होता है। राजनीतिक महत्व क्या है या राजनीतिक क्या फायदे मिले हैं अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने एक पपेट रूलर अपॉइंट किया हुआ है जो उन्हीं की कठपुतली है और उन्हीं के निर्देशों पर सारे काम कर रहा है। और वो आप लोगों को पता है ऑब्वियसली कौन होगा, वो होगा मीर जाफर। मीर जाफर वॉज अपॉइंटेड बाई द EIC एंड हु वर्कड एज अ पपेट रूलर फॉर EIC, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक कठपुतली शासक के रूप में कार्य करता है बंगाल का। और बंगाल के सारे सोर्सेस वो किसे मुहैया कराता है, अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। अब देखिए सीक्वेंसेस में चीजों को समझना है आपको। तो पलासी का युद्ध खत्म हो गया है, पलासी की लड़ाई खत्म हो गई है और इनडायरेक्टली बंगाल पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ पलासी पर ही खत्म नहीं होती है, पलासी के बाद भी आगे की घटनाएं होंगी, आगे के इवेंट्स होंगे जो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि पूरी की पूरी जो बंगाल की विक्ट्री है उसको समझना है। तो अब क्या होता है, अब मीर जाफर का शासन शुरू होता है। ठीक है, मीर जाफर का जो शासन है वो 1757 से शुरू होता है, 1757 से, और 1760 तक ये क्या करता है, बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, 1760 के बाद फिर मीर कासिम, इसका जो दामाद होता है, वो बंगाल का नवाब बनेगा, जो 63 तक बनेगा। और 63 के बाद अगेन फिर बनाया जाएगा मीर जाफर को बंगाल का नवाब, जो लगभग 65 तक होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसके पुत्र को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम समझते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जब ये बंगाल का नवाब बनता है और ऑब्वियसली ही वॉज अ पपेट रूलर, तो जितनी भी डिमांड अंग्रेजों ने की वो सारी डिमांड इसने पूरी कर दी। जैसे 1,70,00,000 रुपये EIC के अकाउंट में डाल दिए हैं, रॉबर्ट क्लाइव को 20,00,000 रुपए दे दिए हैं, वॉटसन को 10,00,000 रुपीस दे दिए हैं, फ्री ट्रेड्स के राइट दे दिए हैं, और वो तो चलता ही था, निःशुल्क व्यापार तो होता ही था। तो अब पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड हो रहा है। देखिए पूरा बंगाल मतलब उस समय बंगाल में उड़ीसा भी आता था और उस समय बंगाल में बिहार भी आता था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूरा का पूरा बंगाल के नवाब के नियंत्रण में ही चला करता था। ठीक है, तो इन पूरे रीजन पर निशुल्क ट्रेड ये लोग करेंगे। ऊपर से 24 ऑफ परगना जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसके भी दीवानी अधिकार यहाँ पे दे दिए गए। यानी सारी की सारी जो डिमांड थी अंग्रेजों की, वो सारी डिमांड्स को मीर जाफर ने पूरा कर दिया। ठीक है, बंगाल की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगी, पुअर या वीक होने लगी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। 1716 आते आते अब अंग्रेजों की जो डिमांड थी वो पूरी करने में असमर्थ होने लगा था, कौन, आपका मीर जाफर। क्योंकि देखिए क्या होता था कि अंग्रेज लोगों ने ये समझ लिया था कि बंगाल में कितना भी हम लेंगे, बंगाल में कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। ये बंगाल को एक कामधेनु गाय समझ रहे थे, एक थैली, एक बोरी समझ रहे थे, जिसमें जब भी हाथ डालोगे और हाथ निकालोगे तो सोना या चांदी ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना ज़्यादा इनकी डिमांड थी, इतने गिफ्ट्स, इतने उपहार ये लेते थे। देखिए जब भी कोई ब्रिटिश ऑफिसर जाता था, ये EIC का कोई ऑफिसर जाता था वहाँ पर, तो उसे उपहार की वो डिमांड करता था और उन्हें उपहार देना पड़ते थे बंगाल के नवाब को। तो काफ़ी परेशान हो चुका था बंगाल का नवाब और वो समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है मीर जाफर ने। मीर जाफर अब कम्प्लीटली ये क्लियर हो चुका था उसको कि उसने EIC का साथ देकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी, काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी, उसे समझ में आ चुका था। ठीक है, और ये देखिए क्या करते थे, ये देखिए ह्यूज करप्शन था उस समय, काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काफ़ी बुरे प्रयोग यहाँ पे करती थी, समझ गए ना, इंडिया में काफ़ी कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग यूरोप में क्या कर रहे हैं, ये लोग ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं। देखिए ब्रिटेन में ये लोग क्या कर रहे हैं,
ये लोग रिश्वत दे रहे हैं। किसे रिश्वत दे रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिश्वत दे रहे हैं ताकि उनका जो चार्टर है, उनका जो अधिकार है इंडिया में ट्रेड करने का, वो बना रहे। ठीक है, तो भारत में व्यापार करने और प्रशासन करने के जो राइट्स हैं, हालांकि अभी प्रशासन के अधिकार नहीं है, अभी सिर्फ व्यापार के अधिकार हैं। तो व्यापार के जो राइट्स हैं, जो चार्टर के जरिए उन्हें मिलते हैं 20 ईयर्स के, वो उन्हें चाहिए हैं किसी भी हालत में। अगर वो वहां से नहीं मिलेंगे तो वो उनका जो यहाँ पे ट्रेड है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, या दूसरी कंपनियां भी इंडिया में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली दी गई थी EIC को बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, या ब्रिटिश जो रूलर थे, जो गवर्नमेंट थे, जो रानी थी, उनके द्वारा। अब क्या था कि इन्हें अगर अपनी इस राइट को बनाए रखना है तो उन्हें यूरोप, ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स हैं, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंटियंस हैं, ब्रिटेन के गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें काफ़ी बड़े अमाउंट में रिश्वत देना पड़ती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिश्वत देना पड़ रही है कहाँ पर? ब्रिटेन में, अपने देश के ऑफिसर्स को। ठीक है, ताकि इनके जो ट्रेड राइट्स हैं वो बने रहे। तो वहाँ ये कर रहे हैं, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं? बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन रूलर्स के साथ, इंडियन पब्लिक के साथ, इंडियन ट्रेडर्स के साथ। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अब देखिए क्या होता है, 1760 आते आते 3 साल बाद मीर जाफर पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि ये लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, हमने गलती कर दी। ठीक है, क्लियर हो गया उसको। अब क्या होता है आगे, इसी बीच में एक नया गवर्नर जनरल भी आ जाता है 1760 में, जिसका नाम था हेनरी वेंसिटार्ट। कौन आ जाता है? हेनरी वेंसिटार्ट। हेनरी वेंसिटार्ट नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनकर आता है बंगाल का, आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल होता है बंगाल में, बंगाल में कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था वहां का। और फिर आ जाता है वेंसिटार्ट 1759 से 1764 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रूल करता है। कौन? आपका हेनरी वेंसिटार्ट। और हेनरी वेंसिटार्ट जब आता है तब उसे एक खबर ये मिलती है, उसे एक इन्फॉर्मेशन, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि मीर जाफर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। मीर जाफर एक गुप्त समझौता कर रहा है किसके साथ? डचों के साथ। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है, या अंग्रेजों को ये खबर पता चलती है कि इनका और डचों का क्या चल रहा है, एक सीक्रेट मेल मिलाप चल रहा है। और डचों को ये इनवाइट भी करता है। डच अपना फैक्ट्री या अपना ट्रेड यहाँ पे चला ही रहे थे, और अब डचों के साथ एक समझौता होता है। देखिए, डच और ब्रिटिशर्स में शांति थी, ये पीसफुली ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जब ये खबर मिलती है ना कि इनके बीच में कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, और मीर जाफर ने इन्वाइट किया है डचों को, ठीक है, और डचों को ये बोला गया है कि अब आपको क्या करना है, किसी भी तरह से अंग्रेजों को या EIC को यहाँ से बाहर करना है, और आपको एक लीड कंपनी के तौर पर इंडिया में इंडिया में ट्रेड करना, ठीक है, लीडिंग ट्रेडर्स के रूप में। तो ये बात बाहर आ जाती है, और जैसे ये बात बाहर आती है तो सबसे पहले तो डचों से निपटने के लिए ब्रिटिशर्स एक युद्ध करते हैं, और वो युद्ध आप सभी को पता है, बैटल ऑफ बेदरा, आप लोगों को पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो इसी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 में ही, जो पार्ट 1 में हमने पोर्तुगीज डिस्कस किया है, पार्ट 2 में हमने डच डिस्कस किए, पार्ट 3 में हमने फ्रांसीसी डिस्कस किए, और पार्ट 4 अभी चल रहा है ना, मैंने गलती से 3rd लिख दिया है, तो यहाँ पे पार्ट 4 आएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं विक्ट्री ऑफ बंगाल की। ठीक है ना, तो ये पार्ट 4 होगा, पार्ट 3rd में हमने फ्रांसीसी डिस्कस कर चुके हैं, तो बंगाल की विक्ट्री की बात कर रहे हैं। तो देखिए, चीज़ें जो है ना घूम फिर कर कहीं ना कहीं पे आके मिल जाती हैं। तो यहीं पर क्या हुआ था कि डचों के साथ 1759 में बैटल ऑफ बेदरा लड़ा गया था, जिसे हम बैटल ऑफ चुनसुरा या बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। ठीक है, हुगली, चुनसुरा या फिर बैटल ऑफ बेदरा, जहाँ पर डचों को पराजित कर दिया था। ठीक है, और डचों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को रिमूव कर दिया था बंगाल के नवाब के पद से। ठीक है, अब देखिए, दो ऑप्शन थे, एक मीर कासिम था और एक उसका जो पुत्र था जिसका नाम था मीर मरान। मीर मरान की अगर बात की जाए ना, तो मीर जाफर का पुत्र था मीर मरान, और मीर मरान ने ही हत्या करी थी सिराजुद्दौला की, जब वो सिराजुद्दौला जब पलासी के युद्ध से भागा था, तो मीर मरान जो मीर जाफर का पुत्र था उसी ने उसे मार दिया था। मीर मरान क्या होता है, मर जाता है, मीर मरान की डेथ हो जाती है जब ये सक्सेसरशिप चल रही है, किसके बिहाफ, किसके बदले में, मीर जाफर के बदले, मीर मरान की डेथ हो जाती है। देन क्या होता है कि जो मीर कासिम होता है, मीर कासिम की बात की जाए तो इनके दामाद हैं, इनके सनेंजो हैं।
तो मीर कासिम को क्या किया जाता है, बंगाल के नवाब के पद पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। हालांकि मीर कासिम और बेंसीटार्ड के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग भी होती है। मीर कासिम एक डील करता है किसके साथ, हेनरी बेंसीटार्ड के साथ, क्योंकि अब अगर उसे बंगाल का नवाब बनना है तो उसे भी कुछ पुरस्कार कुछ गिफ्ट्स देना होंगे EIC को और साथ ही किसे, हेनरी बेंसीटार्ड को, तभी तो उसे बंगाल का नवाब बनाया जाएगा ना। तो यहाँ पे मीर कासिम और बेंसीटार्ड के बीच में एक डील होती है और 5 लाख रुपए नवाब बनने के बदले में ये गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं, ठीक है। किस 5 लाख रुपए क्या करते हैं, दे देते हैं, किसे दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथ ही तो एक चीज तो इन्हें क्या मिल गई, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए मिल गए EIC को। क्यों मिल गए हैं, इन्हें युद्ध लड़ना है, इन्हें वेटल्स फोर्ट करना है, उन्हें युद्ध लड़ना है, तो युद्ध के लिए इन्हें 5 लाख रुपए की जरूरत है और वो 5 लाख रुपए यहाँ पे मिल गए, ठीक है। कौन सा युद्ध, तो आप टाइम देखिएगा, आप जब टाइम देखेंगे तो आप देखेंगे 1759, और 1759 के दौर में कौन सा युद्ध चल रहा है, तो आप सभी को पता है 1758 से लेकर 1763 के बीच में जो बैटल ऑफ कार्नेटिक थर्ड था वो यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक, साउथ इंडिया में बैटल ऑफ कार्नेटिक की जो तीसरी सीरीज है वो यहाँ पे चल रही है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक। तो अगर वो जीतना है तो आपको क्या चाहिए, आपको करेंसी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो पैसा मिलेगा बंगाल से, कितना, 5 लाख रुपये मिल गए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, और क्या मिला, और इन्होंने 3 जगह की जो सूबेदारी थी, 3 जगहों की, 3 जिलों की जो जमींदारी थी वो भी इन्हें दे दी। कौन कौन से हैं, वो हैं बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ठीक है। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जो जमींदारी थी, जो सूबेदारी थी, वो भी किसे दे दी गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इन्हें दे दिया गया। मीर कासिम इस डील पर साइन करता है और ये सारी चीज़ें अंग्रेजों को मुहैया करा देता है, 5 लाख रुपये और मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव। ये चटगांव बांग्लादेश में आता है, ठीक है, आज के समय। मिदनापुर बंगाल में आता है और बर्धमान भी बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, ठीक है। बर्धमान में ही एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए की फेमस एक कंपनी भी है उसी के नाम पर, बर्धमान। पूरे इंडिया में कई सारे इनके फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखी है। तो यहाँ पे ये एक साइन हो जाती है डील। अब देखिए, मीर जाफर को हटा दिया जाता है और मीर जाफर को क्या किया जाता है, मीर जाफर को 15,000 रुपए की पेंशन देकर शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया जाता है, ठीक है। हालांकि बेंसीटार्ड क्या करता है, उसे किले को घिरवा लेता है, चारों तरफ से उसे घेर लेता है, और फाइनली क्या किया जाता है कि उसे 15,000 की पेंशन देकर वहां से हटा दिया जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से वो यहां से चला जाता है। और अब देखिए क्या होगा कि इसे कलकत्ता में रखा जाए, किसे, मीर जाफर को कहां पर रखा जाए, कलकत्ता में। कैपिटल क्या है, कैपिटल आप लोगों को पता है, कैपिटल है मिदना, कैपिटल है आपकी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से बोल दिया अब आप कलकत्ता में रहिए 15,000, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या कर रहा था, कंस्पायरेसी भी तो कर रहा था ना, तो इससे खतरा भी था। मीर जाफर ने कंस्पायरेसी करी थी डेचो के साथ, जैसा अंग्रेजों को पता चला। अब क्या होगा, अब अगला नवाब कौन बनेगा, अगला नवाब बनेगा मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम अब बंगाल का नवाब बनेगा और नवाब बनने के बाद 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब सिर्फ नवाब के रूप में रूल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना, जब ये नवाब बनता है तो बेंसीटार्ट कहता है कि ये बंगाल की एक क्रांति की गई है, बंगाल में एक क्रांति के तौर पर वो अपने वो डिक्लेयर करता है इस इवेंट को, जब उसने नवाब बना दिया है किसे, मीर कासिम को। हालांकि अन्य इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ऐसा कोई क्रांति नहीं है, इट वॉज नॉट अ रिवॉल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन जो होता है ना, तो वो काफ़ी एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पर कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्ट बोलते हैं। तो ये कोई रिवोल्ट नहीं है, जब भी किसी चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो उसे रिवोल्ट का, तो यहाँ पे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ मीर कासिम को ही क्या बना दिया गया है, बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो यहाँ पे अन्य इतिहासकार इस बात का पूरा खंडन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब तो बना दिया ये सोचकर कि ये हमारी डिमांड को पूरी करेगा, और इनिशियल लेवल पर इन्होंने डिमांड पूरी भी की, क्योंकि जैसे 5 लाख रुपए मांगे गए वो दे दिए, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जो सूबेदारी, जो जमींदारी थी, जो दीवानी राइट्स थे, वो भी किसे दे दिए थे, अंग्रेजों को दे दिए थे, ठीक है। और धीरे धीरे जब और ज़्यादा पुरस्कार या गिफ्ट्स मांगे जाने लगे अंग्रेजों के द्वारा, और ज़्यादा डिमांड्स जब मांगी जाने लगी, तो धीरे धीरे इसे भी समझ में आने लगा कि अंग्रेज हमारे लिए सही नहीं है और अंग्रेजों से हमें किसी भी तरह से हालत से क्या होना होगा, निपटना होगा। अब
ये भी कुछ काम शुरू कर देता है ये अंग्रेजों के। देखिए मीर जाफर से काफी अपोजिट है ये एक्सट्रीम डिसीजन लेता है अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजों को कंट्रोल में करने के लिए कई बड़े बड़े ये निर्णय लेने की कोशिश करता है, और इसी कारण फिर अंग्रेजों के साथ इसकी इसके संघर्ष भी ऑब्वियसली शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है और साथ ही रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है, लेकिन अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसको अपोज नहीं कर रहा है। जैसे कि इनिशियल लेवल पर जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी चल रही है जिसको हम बोलते हैं दस्तक वाली जो व्यवस्था थी, है ना, और जो फ्री ट्रेड वो यहाँ पे कर रहे थे बिना टैक्स दिए, उन सारी पॉलिसी का ये विरोध नहीं कर रहा, अपोज नहीं कर रहा, ठीक है, अंग्रेजों के साथ ही है। और दूसरी चीज़ अगर की जाए तो रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इसके द्वारा। रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये क्या कर रहा है कि नए ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहा है, नए ब्यूरोक्रेसी में नए अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है। साथ ही आर्मी की अगर बात की जाए तो आर्मी को मॉडर्न करने की कोशिश में लगा हुआ है, आर्मी को डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा काम ये क्या करता है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो ये लेता है वो ये कि जो कैपिटल है उसे मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर कर देता है, और कहाँ चला जाता है, मुंगेर चला जाता है। मुर्शिदाबाद कलकत्ता से काफ़ी नियर में है, काफ़ी पास है, तो ये क्या करता है मुंगेर में अपनी कैपिटल लेकर चला जाता है ताकि कलकत्ता से दूरी बनाई जा सके और अंग्रेजों का जो कंट्रोल है, अंग्रेजों का जो नियंत्रण है उससे थोड़ा सा फ्री हो सके। इसलिए शांति से ये अपनी कैपिटल को मुंगेर लेकर चला गया और मुंगेर में अपना हेडक्वार्टर इसने स्टेब्लिश कर लिया, ठीक है, ताकि अंग्रेजों से उसे थोड़ी सी मुक्ति मिल सके, अंग्रेजों की जो डिमांड है उससे थोड़ा फ्री हो सके। और दूसरी जो मैंने बताई है बात की नौकरशाही में क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन या रीअरेंजमेंट करता है इन ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी। तो रीअरेंजमेंट इन ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, नए नए ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा, साथ ही आर्मी को मॉडर्न बनाने की कोशिश करेगा, आर्मी को यूरोपियन पद्धति से संचालित करता है, और जिसके लिए एक जर्मन ऑफिसर वाल्टर नामक एक जर्मन ऑफिसर की हेल्प लेता है ताकि अपनी आर्मी को यूरोपियन तर्ज पर इस्टेब्लिश की जा सके। ठीक है, अपनी आर्मी को अच्छे अच्छे वेपन्स मिल सके, अच्छे या मॉडर्न वेपन्स डेवलप किए जा सके, इसलिए मुंगेर में एक बंदूक की फैक्ट्री भी क्या करता है, बंदूक का कारखाना भी ये लगाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं किसके, मीर कासिम के। सबसे बड़ी चीज़ अगर की जाए तो जैसे कि इसने क्या किया कि दस्तक का तो मिसयूज कर ही रहे थे, दस्तक का तो मिसयूज काफ़ी बढ़ चुका था किसके द्वारा, EIC के द्वारा, और इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, इंडिया के जो व्यापारी थे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोडक्ट्स थे, जो गुड्स थे, वो काफ़ी लो प्राइस पर इंडिया में बिक रहे थे। ठीक है, और उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स की बात करें तो बिल्कुल भी टिकते नहीं थे, लेकिन चूंकि काफ़ी लो प्राइस पर बिक रहे थे इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स को नुकसान हो रहा था। अब यहाँ पे क्या करता है, सबसे बड़ा देखिए क्रांतिकारी डिसीजन जो इसने लिया है ना वो ये है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा, कि इक्वल कंडीशन पर ले आता है इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर से सारे के सारे जो चुंगी हैं, टैक्स हैं, वो हटा लेता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि 1762 में पूरे के पूरे बंगाल से चुंगी कर को समाप्त करने का एक क्रांतिकारी डिसीजन ले लेता है मीर कासिम। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों की नज़र में ये आ गया। ठीक है, अंग्रेजों पर दस्तक हटाने की भी इसने बात करी, टैक्स लगाने की बात करी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, अंग्रेजों ने टैक्स दिया नहीं। ठीक है, लेकिन जब इसने क्या किया, जब इसने ये निर्णय लिया कि अब हम इक्वल कंडीशन पर ले आएंगे, अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो इंडियन ट्रेडर्स भी टैक्स नहीं देंगे, इंडियन व्यापारी भी अब चुंगी नहीं देंगे। ठीक है, और जब इक्वल पोजीशन पर आ जाएगी मामला, जब बात इक्वल पोजीशन पर आ जाएगी तो फिर कंपैरिजन की जाएगी जब गुड्स की, तो आप सभी को पता है कि इंडियन गुड्स और उस समय का यूरोपियन गुड्स, अगर इन दोनों की कंपेयर की जाए तो ये इसके इंडियन गुड्स के आगे यूरोपियन गुड्स बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है ऑब्वियसली। तो इंडियन गुड्स इंडियन ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा और यूरोपियन ट्रेड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जब इसने ये किया तब जाकर अंग्रेजों को ये समझ में आया कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है,
और किसी भी तरह उसे हटाना चाहिए। और फिर ये एक ऑर्डर इशू किया जाता है मीर कासिम को और उसे कहा जाता है कि अब आप अपना पद छोड़ दें, आप बंगाल के नवाब के पद को क्या कर दें, छोड़ दें। लेकिन मीर कासिम अपनी पोस्ट को छोड़ने से इनकार कर देता है और फिर दोनों के बीच में कुछ छोटी मोटी झड़पें होती हैं और ये कई सारी होती हैं, ठीक है, छोटी मोटी झड़पें होती हैं दोनों के बीच में और ये अलग अलग स्थानों पर, जैसे पटना हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, इसके अलावा गिरिया हो गया और उदयनाला, आखिरी में जो झड़प होती है वो उदयनाला में होती है। तो चार पांच झड़पें होती हैं, चार पांच युद्ध होते हैं छोटे मोटे और फिर फाइनली क्या होता है कि मीर कासिम को भागना पड़ता है और मीर कासिम यहां से भागकर चला जाता है अवध। कहां चला गया मीर कासिम भागकर, कहां चला गया, अवध चला गया। और अवध जो है अगर बात की जाए तो यूपी में आता है अवध, ठीक है। अवध भागकर जब ये गया तो अवध में उस समय पर जो नवाब हुआ करते थे अवध के, उनका नाम था सुजाउद्दौला, ठीक है। तो ये किसकी शरण में चला गया है, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण में चला गया, ठीक है। और सुजाउद्दौला की बात करें ना तो उसी समय अवध में सुजाउद्दौला के साथ ही उसी के महल में उसी के साथ में मुगल बादशाह भी वहीं पर स्टे करते थे, क्योंकि मुगल बादशाह को भी शरण दी हुई थी, किसने, मुगल बादशाह को भी शरण दी हुई थी अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने। और सुजाउद्दौला एक्चुअल में अगर बात की जाए तो वो अवध का नवाब भी था और मुगलों का वजीर भी था, ठीक है। मुगलों के जो वजीर थे वो भी कौन हुआ करते थे, अवध के नवाब। सफदरजंग से शुरू हुआ, सफदरजंग के पहले अगर बात की जाए तो सादत अली खान जो अवध का संस्थापक था 1722-1722 में, तो 1739 से ही जो वजीर बनने लगे थे या सफदरजंग के समय से मुगलों के जो वजीर थे वो अवध के नवाब हुआ करते थे, ठीक है। सफदरजंग जो दूसरा स्वतंत्र नवाब बनता है आफ्टर सादत अली खान, और फिर आता है सुजाउद्दौला सफदरजंग का पुत्र। तो सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसी के समय उसी के साथ में मुगल बादशाह भी शरण लिए हुए थे उसी के महल में, जिनका नाम क्या था, अली गोहर बचपन का नाम और शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय भी उन्हीं के साथ थे, शाह आलम सेकंड भी उन्हीं के साथ थे। तो मुगल बादशाह भी वहीं मौजूद हैं, मुगल फोर्स भी वहीं पर है, मुगल स्ट्रेंथ भी वहीं पर है, अवध की स्ट्रेंथ भी वहीं पर है और साथ ही आ चुके हैं मीर कासिम हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखिए पूरी हिस्ट्री को अगर समझें तो सुजाउद्दौला की जो आइडियोलॉजी थी, सुजाउद्दौला की जो सोच था, जो विचार थे वो क्या थे। जब से बंगाल में रूल कर रहा था मीर जाफर, ठीक है, जब से बंगाल में रूल कर रहा था मीर जाफर, तभी से सुजाउद्दौला मुगल बादशाह को ये कहा करते थे या उनको ये एडवाइस देते थे कि हमें सबसे पहले अटैक करना चाहिए किस पर, बंगाल पर, ठीक है। और बंगाल में किसी भी तरह से यहाँ पे जो अली वर्दी खान जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जो मीर जाफर अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा है और अली वर्दी खान वहाँ पे परेशान है, ठीक है, तो या मीर जाफर जो परेशान है अंग्रेजों से, तो किसी भी तरह से जो बंगाल आपका क्षेत्र था उसे फ्री कराना चाहिए। किससे फ्री कराना चाहिए, अंग्रेजों से फ्री कराना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो सुजाउद्दौला कई दिनों से फिराक में था कि मुगलों के द्वारा अटैक किया जाए और बंगाल को फ्री किया जाए, किससे, अंग्रेजों से, और अपने या मुगलों के नियंत्रण में लाया जाए, ये कोशिश थी किसकी, सुजाउद्दौला की। लेकिन वो ऐसा अभी तक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ईस्ट और क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ की जो कंडीशन थी वो उधर इंगेज थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, मराठों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जाटों का अगर बात की जाए तो इन्फ्लुएंस है। इन सारी प्रॉब्लम्स से निपटने के की अभी जो कोशिश वहाँ पे हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, सुजाउद्दौला। एक बहुत बड़ा नाम है उत्तर के राजनीति में, नॉर्थ की कैपिटल में इस दौरान, ठीक है। अब सुजाउद्दौला की बात की जाए तो उसके पास ये दो लोग आ चुके हैं, एक मुगल बादशाह भी है और दूसरा मीर कासिम भी। इन तीनों लोगों में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग अगर कोई था तो वो सुजाउद्दौला था, ठीक है। अब इन तीनों के द्वारा एक कंबाइंड फोर्स इस्टेब्लिश की जाती है और ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें बंगाल से अंग्रेजों को पूरी तरह से या इंडिया से अंग्रेजों को पूरी तरह से क्या करना है, रिमूव करना है। और एक बैकग्राउंड शुरू हो जाता है, एक आधार बनना शुरू हो जाता है नेक्स्ट बैटल का, एक युद्ध का, जो युद्ध हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, तीनों की कंबाइंड फोर्स यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें अली गोहर या शाह आलम द्वितीय की, इनकी हिस्ट्री की बात करें ना तो मुगल बादशाह से शुरू करना पड़ेगा और मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम जब मुगल बादशाह बनते हैं 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो औरंगजेब के ही एक पुत्र होते हैं मुअज्जम, उसी का नाम बनता है जब ये मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से।
ठीक है। बहादुर शाह प्रथम और उनकी मृत्यु हो जाती है 1712 में, और फिर उन्हीं का एक पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र जहांदार शाह मुगल बादशाह बनता है। जहांदार शाह की अगर बात की जाए तो 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद उसे भी हटा दिया जाता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है, और फर्रुखसियन नाम से उनका जो भतीजा है वो अगला मुगल बादशाह बन जाता है। कौन? फर्रुखसियन, ठीक है, अजीमुस्सान का पुत्र। अब फर्रुखसियन जब मुगल बादशाह बनता है तो 1719 में उसकी भी हत्या करवा दी जाती है अली ब्रदर्स या अली बंधुओं के द्वारा, ठीक है। और फिर जो नवाब, जो बादशाह बनते हैं अगर बात की जाए फर्रुखसियन के बाद, तो वो बनता है रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला। रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला की बात की जाए तो उनकी जो मृत्यु है वो टीबी और कुछ बीमारियों के कारण हो जाती है। और फिर मुगल बादशाह बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक चलता है, ठीक है। मोहम्मद शाह के समय ये जो अली ब्रदर्स थे, जो अली बंधु थे, इनका खात्मा करा दिया जाता है, इनकी हत्या करवा दी जाती है, इनको समाप्त करवा दिया जाता है। मोहम्मद शाह इसमें हेल्प लेता है, हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं, हैदराबाद के जो शासक होते हैं, जो उस समय पर मुगलों का एक ऑफिसर भी था जिसका नाम क्या है आपका निजामुल मुल्क आसफ जहा, तो निजामुल मुल्क आसफ जहा की हेल्प से अली बंधुओं का खात्मा हो जाता है, ठीक है। अब मोहम्मद शाह रूल कर रहा होता है, मोहम्मद शाह की जब डेथ हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है 48 में, तब उन्हीं का पुत्र अगला बादशाह बन जाता है, अगला मुगल बादशाह बन जाता है, ठीक है, अहमद शाह। और फिर जब अहमद शाह की डेथ होती है तो अगला मुगल बादशाह जो बनता है अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपका आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल होता है, जब आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह बनता है उसी समय पर आलमगीर सेकंड के टाइम पर, और अहमद शाह आलमगीर द्वितीय से पहले अहमद शाह, इस समय पर ना मुगलों के ऊपर कंट्रोल होता है मराठों का। मुगल गद्दी पर, मुगल पॉलिटिक्स में, नॉर्थ की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? मराठों का, ठीक है। और मराठों का एक ऑफिसर, एक व्यक्ति दिल्ली में अपॉइंट होता है जिसका नाम होता है इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क कहां पर है? दिल्ली में है, और कंट्रोल में रख रहा है किसे? मुगलों को, ठीक है। इमाद उल मुल्क क्या करता है? पहले तो अहमद शाह को हटाता है रास्ते से, और फिर अपॉइंट करता है आलमगीर द्वितीय को, ठीक है। आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह के पद पर अपॉइंट किया जाता है इमाद उल मुल्क के द्वारा। इमाद उल मुल्क काफी प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करता है, काफी अत्याचार करता है किस पर? इन सभी लोगों के ऊपर, ठीक है, आलमगीर द्वितीय पर। आलमगीर द्वितीय के खिलाफ षड्यंत्र बनाया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है, और शाह आलम द्वितीय जो अली गोहर के नाम से उसका बर्थ का नाम था, जन्म का नाम था, जो उसका पुत्र होता है किसका? आलमगीर द्वितीय का, ठीक है। अब शाह आलम द्वितीय को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे एक षड्यंत्र बनाया इमाद उल मुल्क ने, और वो मारना चाह रहा है, हत्या करना चाह रहा है मुगलों, मुगल बादशाह की और साथ ही अली गोहर की, ठीक है। तो अली गोहर यहाँ से भाग जाता है, और यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है? यहाँ से भागकर वो चला जाता है अवध, ठीक है। तो ये अवध आ चुका था इस दौर में, लगभग 1759-60 के दौर में ये भागकर कहाँ जाता है? ये भागकर आ जाता है आपके अवध में, ठीक है। और अवध में इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? अवध में इसे प्रोटेक्शन देता है सुजाउद्दौला, ठीक है। अब दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में आलमगीर सेकंड को मार दिया गया, आलमगीर सेकंड को मार दिया है, पहले अंधा किया, उसको मार दिया किसने? इमादुल मुल्क ने। और उसकी जगह बैठा दिया है किसे? शाहजहां तृतीय को, शाहजहां थर्ड को मुगल बादशाह बना दिया। लेकिन शाहजहां थर्ड एक प्रकार से कठपुतली है, इमादुल मुल्क ने अपॉइंट किया, ठीक है। एक्चुअली जो रूलर बनना चाहिए वो किसे बनना चाहिए? शाह आलम द्वितीय को या अली गोहर को, और उसे बना दिया जाता है मुगल बादशाह किसकी हेल्प से? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है। और फिर पानीपत का युद्ध होगा जिसे मराठे हारेंगे, और फिर शाह आलम द्वितीय पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट उसका हो जाएगा, ठीक है। बट अभी ये अवध में है, तो यहाँ पे ना अभी आप लोग क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने आप लोगों को ये कहानी बता दी किसकी? शाह आलम द्वितीय की, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे इमाद उल मुल्क का जो नाम है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों की कंबाइंड फोर्स एस्टेब्लिश हो जाती है, और बैटल ऑफ बक्सर की पृष्ठभूमि यहाँ पे बन जाती है, एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है, एक बैकग्राउंड बन जाता है फॉर द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तीन लोगों की सेना यहाँ पे होगी, मेन पर्सन कौन होगा? सुजाउद्दौला, अवध का नवाब, ठीक है।